कोरोना वायरस से संक्रमित आसाराम की हालत गंभीर है। जोधपुर एम्स अस्पताल से सोमवार को उसे मथुरा दास हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। खून की कमी के कारण आसाराम को कई यूनिट खून भी चढ़ाया गया। एम्स में भर्ती आसाराम के पेट में अल्सर की शिकायत है। इंडोस्कोपी करने के लिए सोमवार को एम्स से मथुरा दास हॉस्पिटल लाया गया। होमोग्लोबिन कम होने के कारण रविवार को उसको 2 यूनिट खून भी चढ़ाया गया। एम्स के डॉक्टर लगातार उसकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। एंडोस्कोपी के बाद उन्हें वापस एम्स ले जाया गया। नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम का दूसरे बंदियों के साथ कोरोना सैंपल लिया गया था। पॉजिटिव आने के बाद आसाराम का ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो गया। बाद में उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन तक महात्मा गांधी अस्पताल में रखने के बाद उसे एम्स में भेज दिया गया था। एम्स में कोरोना का इलाज करने के साथ ही पेट में दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टर ने उसकी स्वास्थ्य की जांच की थी। उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम होने पर 2 यूनिट खून भी चढ़ाया गया। पेट में अल्सर की जांच करने के लिए आज इंडोस्कोपी कराने का फैसला लिया गया। इस पर उसे इंडोस्कोपी के लिए कड़े सुरक्षा घेरे में MDM अस्पताल लाया गया। आसाराम ने कोरोना संक्रमित होने के बाद अपनी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद पद्धति से कराने के लिए 2 माह की अंतरिम जमानत के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश कर रखी है। जान लें कि आसाराम बापू एक नाबालिग से रेप के दोष में जोधपुर जेल में सजा काट रहे हैं। कोर्ट के मुताबिक आसाराम ने 15 अगस्त 2013 को जोधपुर के पास मनई इलाके में एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था। कोर्ट ने आसाराम बापू को IPC की धारा 374 तस्करी, धारा 342, धारा 354A, धारा 376 रेप, धारा 506 आपराधिक धमकी, धारा 120B साजिश रचने और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत दोषी पाया। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।